वीडियो में आपका स्वागत है। अब मैं मेरे भाई ने जो कमेंट करा था कि आपकी मशीन वाइब्रेट करती है, तो मेरे भाई का मैं 100% कहना मानता हूँ कि सही बात है, मेरी मशीन वाइब्रेट करती है। और मेरे भाई ने बोला भी था, मेरा प्रेमी है, मेरा भाई है, कुछ भी कह दो आप, मैं उनसे नाराज़ भी नहीं हूँ। उनने जो मेरी गलती जो बार बार पकड़ के जो मेरे को कमेंट करता है, तो मैं उनसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि आजकल मेरी गलती तो बताते हैं, तो मैं मेरी गलती का सुधार करने जा रहा हूँ। वो मेरे भाई कमेंट करते हैं, थोड़ी सी गलती होती है फट पकड़ लेते हैं और कहते हैं ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मेरे भाई और मेरे प्रेमी से मैं बहुत पसंद हूँ, जो कि मेरी हर गलती का मेरे को एहसास करवाते। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, मेरे भाई को, कि पहले मेरे भाई ने कमेंट करा था कि आपकी मशीन में वाइब्रेट बहुत करती है, तो आपका कैलकुलेटर गिनती करने में असमर्थ रहता है। तो मेरे भाई की गलती को मैं मान्य करता हूँ, और मैंने अब क्या करा है कि कैलकुलेटर पहले यहाँ नीचे फिट था ये, अब मैंने उठा के ये ऊपर फिट कर दिया आँखों के सामने। इससे क्या है, आपको उसके ऊपर ही नज़र जाएगी, ये कैलकुलेटर के ऊपर ही नज़र जाएगी, ये डायरेक्ट मशीन के सामने कर दिया। ये मेरे भाई ने जो कमेंट करा था उसका उत्तर दिया मैंने। और दूसरा मेरा भाई कहता है, बोले आपकी मशीन की कीमत 1000 है, आप मेरे से 2000 रुपये ले लो। तो मैं मेरे भाई को कहना चाहूँगा कि मेरे भाई और मेरे प्रेमी से मैं ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों नहीं लाना चाहता हूँ, कि मेरे प्रेमी उनसे अगर ज़्यादा पैसा मैं ले लूँगा तो फिर प्रेमी काय के रहे, दोस्त काय के रहे। इसलिए मैं जो रीजनेबल दाम है वही मैं लूँगा, भले वो 1000 से 2000 कह दे, 2000 से 3000 कह दे, मेरे को पैसे से कोई मोह नहीं है। मैं उसी कीमत में दूँगा जिस कीमत में बनी है। वो कह दे कि डबल कीमत ले लो, तो मैं नहीं दूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबा देना, और आपके दोस्तों को शेयर कर देना, और लाइक ज़रूर करना। अब ये मेरे दोस्तों का और मेरे प्रेमियों का कमेंट का जवाब है ये वाला। अब इसके लिए वाइब्रेशन के लिए मैंने ये एक टेबल लिया है, ये टेबल है ये वाला। अब मैं इस टेबल के ऊपर ये मशीन को फिट करूँगा, ये टेबल के ऊपर ये वाला टेबल के ऊपर फिट करूँगा। पहले ये वाले टेबल पे फिट करा था, तो इससे क्या है, वाइब्रेशन करता था, ये पतरे का था। तो मेरे भाई का कमेंट मान्य है मेरे को, इसलिए मैंने अब ये टेबल लिया है, प्लाईवुड का टेबल लिया है, और ये कैलकुलेटर का भी उनके कहने पे मैंने संशोधन करा है, और मशीन की कीमत ज़्यादा नहीं हो, इसलिए मैं बार बार कैलकुलेटर का उपयोग कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, कि मीटर महंगा आता है और फिट करने में प्राइस बढ़ती है, तो इसलिए मेरा कहना ये है कि कम से कम प्राइस में मशीन मिले, ये मेरा कहना है। इसलिए अब मैं आपको चला के बताऊंगा। ये मैंने फिट कर दिया है, ये वाला सब फिट कर दिया है, ये टेबल पे फिट करा है ये।
और इनमें कुछ संशोधन भी कर रहा हूँ। आप ऐसा मत समझना मेरे भाई लोग कि एक ही एक वीडियो आप बना के बता रहे हैं। इसका ये बेल्ट भी बदला है और ये रबड़ का डाला है डोरी। इससे क्या है कि आपका तार कभी भविष्य में नहीं टूटेगा, इसमें कभी आप गलती भी कर देंगे तो ये इससे कभी नहीं टूटेगा, और ये इससे टूट जाता था। अब ये मैंने निकाल दिए, आप कैलकुलेटर सामने लगा दिया है। जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करेंगे, फट से यहाँ से दबा देंगे, ये दबा दिया, सामने दिखेगा, ऐसा ऐसा सामने नजर आएगा, ये वाला, ये सारी पोजीशन आपके सामने दिखेगी, ये वाला। ये मेरे भाई के कमेंट का जवाब था, वो मेरी हर गलती को बारीकी से जानकारी रखते हैं और मेरे को कमेंट कर देते हैं, तो मेरे को बहुत खुशी है मेरे भाई पे कि अच्छा है, मेरी गलती मेरे को मालूम पड़े, एहसास हो जाए। अब मैं आपको इसको चालू करके बता देता हूँ, वो वाइब्रेशन का कहते थे मेरे भाई, अब मैं आपको चालू करके बता देता हूँ। ये ऐसा बना दिया। अब आपको रिवर्स करके बताऊंगा। अब ये जो थोड़ी आवाज आ रही है, ये तार यहाँ से जाता है निकल के, तो ये इस पे टप 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 करता है वो। तो आप ऐसा मत समझना कि अभी भी मशीन वाइब्रेशन करती है, क्योंकि ये क्या है कि तार निकलता है नहीं, तो ऐसा ऐसा टप 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 करता है इसमें ऐसा। तो आप मेरा भाई फिर मेरे को असमंजस में नहीं रह जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखे। आप मैं रिवर्स चला के बता देता हूँ। आप मैं रिवर्स चला के दे दूँ, बता देता हूँ। ये वाला, अब फिर मैं आपको फॉरवर्ड करके बता देता हूं, अब फॉरवर्ड करके बता देता हूं। ये वाला, और ये यहाँ इसके बटन है, और ये छाछ की मशीन है। बस इतने के कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।